इंडिया के बिगेस्ट बैटल रॉयल गेम का ट्रिलर प्लस प्री रजिस्ट्रेशन आ चुका है, यानी कि अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स गेम का ट्रिलर प्लस प्री रजिस्ट्रेशन आ चुका है। आज मैं आप लोगों को अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स गेम का काफी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। गेम का मैप कैसा होने वाला है, गेम के ग्राफिक्स कैसे होने वाले हैं, गेम की गन्स कैसी होने वाली है, गेम का रिलीज डेट क्या होने वाला है एंड और भी बहुत कुछ। मेक श्योर हमारी इस वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और भी गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स गेम की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये गेम एक बैटल रॉयल गेम होने वाला है। गेम के अंदर हम लोग सोलो भी खेल सकते हैं, डुओ भी खेल सकते हैं और तो और अपने फ्रेंड्स के साथ स्क्वाड भी खेल सकते हैं। गेम का कल्चर पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर बेस्ड होने वाला है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस गेम को यूनिटी इंजन पे नहीं बल्कि अनरियल इंजन पर बनाया गया है। गेम को लो एंड डिवाइस यूजर्स भी अपने फोन में सही तरीके से चला पाएंगे। गेम का मैप भी रिवील हो चुका है एंड साथ ही साथ में गेम के मैप की लोकेशंस भी रिवील हो चुकी हैं। स्टेशन, अपार्टमेंट, घाट, स्लम्स एंड फोर्ट जैसी लोकेशंस होने वाली हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने जिस मैप को देख रहे हो यही है अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स गेम का ऑफिशियल मैप। खुद मेहम स्टूडियोज ने अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स गेम की वेबसाइट पर डाल दिया है। लिटरली इस गेम के मैप को देखने के बाद तो मैं इस गेम के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूं। गाइस आप लोगों को इस गेम का मैप कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। गेम के ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर हमको टू मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इसमें से एक कैरेक्टर का नेम है त्यागी एंड दूसरे कैरेक्टर का नेम है बोरिस। दोनों कैरेक्टर्स के इमेजेस आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, एक देसी लग रहा है और वही दूसरा विदेशी लग रहा है। इन दोनों में से एक कैरेक्टर का नेम त्यागी है जो एक इंडियन नेम है, हम सभी लोग जानते हैं। मैं त्यागी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। आप लोगों को दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। गेम के ग्राफिक्स डिटेलिंग की बात करें तो गेम के ग्राफिक्स को ट्रेलर के अंदर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल दिखाया गया है। इसलिए ट्रेलर देखने के बाद हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि गेम के असल के ग्राफिक्स कैसे होने वाले हैं। लेकिन वही मेहम स्टूडियोज ने अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इमेजेस पोस्ट किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि आखिर ये गेम कैसा होने वाला है। ये इमेज देखिएगा, इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि प्लेयर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। ये देखने के बाद तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि गेम काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। एंड वही सेकंड इमेज में त्यागी एंड उसकी स्क्वाड को दिखाया गया है एंड ये इमेज देखने के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस गेम के ग्राफिक्स में काफी दम होने वाले हैं। बाकी थर्ड इमेज में बोरिस कैरेक्टर को लैंड करते हुए भी दिखाया जा रहा है। ओवरऑल इन सारे इमेजेस को देखने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि गेम काफी अच्छा होने वाला है। वो बात अलग है, जब तक गेम नहीं आ जाएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये गेम अंदर से कैसा होगा। आप सभी लोगों को क्या लगता है ये गेम अंदर से कैसा होने वाला है मुझे एक बार जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हीकल्स के बारे में बात करें तो गेम के ट्रेलर के अंदर टू व्हीकल्स को दिखाया गया, एक है बुलेट और वहीं दूसरी है जीप। लोग जानते हैं कि बुलेट एंड जीप कितनी ज्यादा इंडिया के अंदर फेमस है और भाई साहब बुलेट तो कुछ ज्यादा ही फेमस होती है, तो ओवरऑल व्हीकल चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा इस गेम के अंदर। आप लोगों को दोनों में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बुलेट या फिर जीप, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। वैसे मैं जानता हूं आप सभी का जवाब होगा बुलेट। अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी आ चुके हैं। आप लोगों के फोन में एटलीस्ट 2GB रैम तो होना ही चाहिए एंड 2GB का स्पेस भी खाली होना चाहिए आप लोगों के फोन में। एंड मेरे ख्याल से गाइस ये तो इनफ है एंड आप लोगों के फोन में इतना स्पेस तो खाली होगा। एंड मुझे पता आप लोगों के पास 2GB रैम वाला फोन भी होगा, तो गाइस डोंट वरी, इस गेम को आप लोग इजिली प्ले कर पाओगे लो एंड डिवाइसेस में भी। अंडरवर्ल्ड गैंग्स वॉर गेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेहम स्टूडियोज ने गन भी दिखाई है। जी हाँ, लोग उस गन का इमेज अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। ये गन मुझे सेम टू सेम M416 की याद दिला रही है। आपको क्या लगता है? एंड का ये भी जा रहा है कि इस गेम के अंदर काफी तगड़ी तगड़ी गन्स हमको देखने को मिलने वाली है। रूमर्स एंड न्यूज ये भी आ रही है कि ये गेम हमको अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। गाइस दिस इज नॉट 100% कंफर्म। ये भी हो सकता है कि हमको काफी पहले देखने को मिल जाए और ये भी हो सकता है कि थोड़ा लेट देखने को मिले, बट जो भी हो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इंडिया का एक बहुत ही बिगेस्ट बैटल रॉयल गेम काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताना जरूर। हाँ तो बस मेरे भाइयों आज वाली वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा अगर मैं डिसअप करता हूँ तो, और हमारी इस वीडियो पे लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा और गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि लोगों को पता चले भाई UGWR इंडिया का बिगेस्ट रॉयल गेम। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस गेम को प्री रजिस्टर नहीं किया है तो प्री रजिस्टर कर लो प्ले स्टोर पर जाकर, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां से भी आप कर सकते हो। जय हिंद जय भारत। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और अच्छी और फ्रेश वीडियो में। दिस इज मी आपका भाई साइनिंग ऑफ। लव यू गेमर्स, बाय बाय एंड टेक केयर।